आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन इन फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ सी बी ई एंड बी सी डी रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री माइनस 1 बाई 2 ऑफ एंगल बी ए सी। We have given a diagram in which this is angle X, this is angle Y, this is angle Z. और क्योंकि ये bisector है, that's why this angle is equal to this angle. और ये भी bisector है, कि दोनों angles equal हैं. तो सबसे पहले देखिए हमें question के according BO, ठीक है? BO ये वाली line bisector है, तो ये दोनों angle आपस में equal हो जाएंगे. तो हम इसको लिख लेते हैं. BO is the bisector of angle bisector of angle CBE. तो जब ये bisector है तो आप easily लिख सकते हैं कि angle CBO will be equals to angle EBO. मतलब ये दोनों ही angle इस complete CBE angle के half हो जाएंगे दोनों equal होने की वजह से, angle CBE. अब आते हैं इस पे जो कि कह रहा है CO bisector है, तो आप लिख सकते हैं CO is the bisector of एंगल बी सी डी. ठीक है, जब ये तो मतलब bisector, ये दोनों भी इक्वल हो गए और ये दोनों इस कंप्लीट एंगल के हाफ हो जाएंगे. कहने का मतलब बी सी ओ एंगल विल बी इक्वल टू डी सी ओ, और दोनों ही हाफ हो गए एंगल बी सी डी के. अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो सी बी ई है, सी बी ई ये वाला, ये देखिए सी बी ई ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं सी बी ई. ठीक है, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा सी बी ई एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के लिए. इसी तरीके से ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यू विल राइट इट एंगल सी बी ई इज द, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल जस्ट हम कह सकते हैं कि अनदर अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में. कहने का मतलब ए बी सी हेंस लीनियर पेयर को छोड़ के जो दूसरे एंगल्स होते हैं, मतलब सी बी ई जब आप लिखेंगे तो यू विल राइट कि ये एक्स और जेड, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्स और जेड के सम के इक्वल, और जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा ये एक्स और वाई के इक्वल हो जाएगा सम के. ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस जेड के. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल सी बी ई, इसको हम हाफ कर देते हैं, दोनों साइड हाफ करना रहेगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस जेड. हम क्या कर रहे हैं, हाफ के लिए हमें दोनों एंगल मिले थे सी बी ओ भी ई बी ओ, हम ले रहे हैं सी बी ओ क्योंकि हमें प्रूविंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो एंगल सी बी ओ विल बी हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस जेड के. सिमिलरली यही चीज इधर साइड राइट साइड भी अप्लाई हो जाएगी. हम लिखेंगे एंगल बी सी डी, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एंगल बी सी डी बराबर एक्स प्लस वाई की हो जाएगा, तो हाफ कर देंगे, तो हाफ करने पे एंगल बी सी डी हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई के. ठीक है, यू कैन राइट इट, इट विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू, कि बी सी डी था ये ओ है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई के. रीजन दोनों में सेम है, मतलब इसके लिए लिखिए चाहे इसके लिए, इसके लिए लिखिए चाहे इसके लिए, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल is the sum of two interior opposite angles. ठीक है, ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, इसके लिए भी और सिमिलरली इसके लिए भी. ना अब हम आगे चलते हैं. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लीजिए. कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल नीचे वाला ओबीसी, और इसमें अप्लाई करेंगे एंगल सब प्रॉपर्टी को. ओके, तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ओबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल बीओसी प्लस एंगल बीसीओ प्लस एंगल सीबीओ तीनों का सम 180. अब हम तीनों की वैल्यू पुट कर देते, ठीक है. तो एंगल बीओसी की तो कोई वैल्यू है नहीं, हाँ बीसीओ की अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो वो थी हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई. इसी तरीके से सीबीओ की आपने भी फाइंड आउट करी है, हाफ ऑफ एक्स प्लस जेड. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 180 डिग्री, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब इसको सॉल्व करिए. तो एंगल बी ओ सी प्लस हाफ ऑफ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस फिर एक्स प्लस जेड, देखिए दो बार एक्स है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. अभी इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में. इस ट्राइंगल को जब आप लेंगे एबीसी तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा. तो यू कैन राइट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो कि एक्स वाई जेड गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन राइट एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इनकी वैल्यू भी 180 डिग्री हो जाएगी. अब आप एक काम करिए, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो हमें इससे मिली है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब इसमें इसकी जगह पे, ठीक है. एक एक्स एक्स्ट्रा है बच जाएगा, इसकी जगह पे उठाइए और इसको 180 डिग्री को पुट कर दीजिए. मतलब कहने का है ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस वन, एंगल बी ओ सी प्लस हाफ ऑफ एक्स प्लस 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, एंगल बी ओ सी अब ओपन कर लीजिए, प्लस एक्स अपॉन टू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 90 डिग्री राइट साइड जाएगा, एंगल बी ओ सी दोनों को ले जाइए, 180 माइनस 90 90, और एक्स बाई टू को भी ले जाइए, माइनस का एक्स बाई टू. यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था प्रूफ करने के लिए कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू. लेट्स चेक वंस, दिस इज द आंसर. क्योंकि देखिए जो हमने प्रूफ किया उसमें एक्स बाई टू आया, एक्स क्या है, एंगल बी ए सी, तो ये बी ए सी हो जाएगा. मतलब कहने का इस x की जगह पे आप यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं x इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. प्रॉपर वे में अगर आप इसको लिखते हैं जो कि हमें प्रूफ करना था, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी अपॉन टू, यही हमें प्रूफ करना था. सो वी कैन से हैंस प्रूव्ड. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.